अभी तक आपने देखा थ्योरम नंबर 1 कि यदि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके जो एलिमेंट्स हैं यदि वो रियल हैं तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आपने देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। ओके, वो थ्योरम आप नोट करें, क्या कहता है नेक्स्ट थ्योरम 2। थ्योरम 2, थ्योरम 2 कहता है कि यदि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो लिख लो इसको आप, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, फिर से एक बार सुनिए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। ऑर्डर कुछ भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे आप इसको एक्सप्रेस करेंगे बेटा जी? द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए प्रूफ में आप क्या करते हैं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लें। प्रूफ, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, बी एनी मैट्रिक्स, ऑर्डर कुछ भी होगा को, ठीक है, एनी मैट्रिक्स, देन ए कैन बी रिटन एज। तो ए को आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए अपॉन टू। बोलो आप ए को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अब यदि इसमें आप माइनस ए डैश अपॉन टू को सबट्रैक्ट करा दें और फिर ऐड करा दें तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं। अब आप देखो इसमें आप कितने टर्म दिख रहे हैं आपको राइट में, 4 टर्म, ए अपान टू माइनस ए डैश अपान टू प्लस ए डैश अपान टू, पहले और लास्ट को एक साथ एक ग्रुप में बना दें, ऐसे लिख दें ए अपान टू प्लस ए डैश अपान टू, इसको एक ब्रैकेट में रखें, इसको आप एक ब्रैकेट में रखें, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में रखें ए अपान टू माइनस ए डैश अपान टू, कोई फर्क नहीं पड़ा।
अच्छा, अब आपके पास दो ब्रैकेट हो गए, दो ग्रुप हो गए। फर्स्ट ग्रुप में 7/2 आप कॉमन कर लें, तो ये बन गया ए प्लस ए डैस। और यहाँ से भी, दूसरे ग्रुप से भी आप 1/2 कॉमन कर लें, तो ए माइनस ए डैस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप ए को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हमने समझने के लिए आपको बताया है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिखो। केवल समझने के लिए बताया था कि ए को आप लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैस प्लस 1/2 ए माइनस ए डैस। ओके, अभी अभी आपने थ्योरम में देखा, फर्स्ट थ्योरम में ए प्लस ए डैस, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अंदर जो नम एलिमेंट हैं यदि वो रियल हैं, तो ए प्लस ए डैस क्या होगा? सिमेट्रिक होता है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर आपने ये भी देखा कि यदि ए माइनस ए डैस है, ए माइनस ए डैस है, तो ये क्या हो जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। ये थ्योरम वन में आपने देख लिया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तुम साथ में ये भी देख रहे हो कि इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 1/2 से, कहने मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई है, तो भी वो सिमेट्रिक ही रहता है। ठीक है, ऐसे यहाँ भी है, स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भी इसक्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं जो प्रॉपर्टी है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसके साथ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा दो और फिर से उस पर ट्रांसपोज लगा दो, किसके कॉल आता है? के ए ट्रांसपोज के। ओके, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप इस पूरी क्वांटिटी को, जो राइट हैंड साइड में आपका है, वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखा जा सकता है। ओके, इसी चीज़ को आप ऐसे भी ले सकते हो। यहाँ तुम देख रहे हो ए प्लस ए डैस, एक एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है ए डैस, दोनों का सम है और एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डिफाइंड होगा और उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इस तरीके से आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसका नाम दे दो आप पी, और प्लस इसका नाम दे दो आप 1/2 ए माइनस ए डैस, इसका नाम दो आप क्यू। तो ए को आप लिख सकते हो पी प्लस क्यू, वेयर वेयर पी आपका क्या है? पी आपका है 1/2 ए प्लस ए डैस, एंड क्यू है 1/2 ए माइनस ए डैस। ठीक है, साथ में तुमने ये भी देख लिया, पी इच सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड क्यू इच स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका थ्योरम जो है, थ्योरम टू प्रूफ हो गया। कहने मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ए इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? पी प्लस क्यू। ओके, यदि आपको, आपसे पूछा जाए आपके पास कोई मैट्रिक्स बी है,
यदि आपके सपोज कर लो आपके पास कोई मैट्रिक्स बी है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको भी आप ले सकते हैं पी प्लस क्यू के फॉर्म में। या कोई मैट्रिक्स सी है तो उसको भी आप ले सकते हैं पी प्लस क्यू के फॉर्म में। अब यहाँ पर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पी की वैल्यू आप लिखेंगे 1/2 बी प्लस बी डैश, और क्यू की वैल्यू लिखेंगे आप 1/2 बी माइनस बी डैश। ठीक है, और इस एग्जाम इसके लिए यहाँ पर पी क्या होगा 1/2 सी प्लस सी डैश, और क्यू होगा 1/2 सी माइनस सी डैश। ठीक है, तो पी की वैल्यू ये किसके इक्वल होगा 1/2 बी प्लस बी डैश। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी किसके इक्वल है 1/2 ए प्लस ए डैश के। ये बात समझ आ रही है, देखो ए इक्वल टू किसके है, पी प्लस क्यू के है, तो पी इक्वल टू किसके होगा 1/2 ए प्लस ए डैश के, और क्यू इक्वल टू होगा 1/2 ए माइनस ए डैश के। ठीक वैसे ऐसे यहाँ पर b के लिए भी है, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 b प्लस बी डैश, q इक्वल टू होगा 1/2 b माइनस बी डैश। ऐसे c के लिए p इक्वल टू होगा 1/2 c प्लस सी डैश, q इक्वल टू होगा 1/2 c माइनस सी डैश। b क्या है, b आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, c आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप एग्जांपल देखेंगे और बात ठीक और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो एग्जांपल 22 देखते हैं। ओके, देखो एग्जांपल 22 क्या कहता है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी किसके इक्वल है, ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट हैं सारे रियल हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो बी को लिखना है, तो सबसे पहले हमारे विचार में आना चाहिए कि b को हम p प्लस q के फॉर्म में लिखेंगे। b को कैसे लिखेंगे, p प्लस q के फॉर्म में, और p किसके इक्वल होगा 1/2 b प्लस बी डैश, और q किसके इक्वल होगा 1/2 b माइनस बी डैश। यहाँ पर b दिया गया है, ठीक है, तो b दिया गया है, देखो b गिवन है, और हमें b डैश फाइंड करना होगा पहले, और फिर उसके बाद b प्लस बी डैश फाइंड करना होगा, फिर उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो आएगा उसे हम p लेट कर लेंगे। ओके, चलो यही काम अब यहाँ पर स्टेप वन में करते हैं। यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये b इक्वल टू जो है जो मैट्रिक्स, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो सोलूशन देखो, बी है ये, तो बी ट्रांसपोज आप पता कर सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी इज क्या लिखेंगे आप, बी डैश किसके इक्वल होगा, बी डैश किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज आप फाइंड कर सकते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रो में चेंज कर दें, इंटरचेंज आपस में कर दें, तो आर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी 3/3 का ही रहेगा। फिर आप फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, 2 - 2 - 4, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, -1 3
3, 4. Third row becomes third column. 1, minus 2, minus 3. ये तो आपका आ गया ट्रांसपोज ऑफ बी. इसे आप इक्वेशन 2 कंसीडर कर लें. इसे आप इक्वेशन 2. ओके, यहाँ देखो, अब आपके पास बी तो गिवन था, बी डैस आपने ये पता कर लिया. अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो. ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, लेट टी इज इक्वल टू 1/2 बी प्लस बी डैस. ठीक है, कहाँ से लिख दिया आपको पता है, यहाँ से लिख दिया, ये हमको पी लेट कर लिया. तो 1/2 बी प्लस बी डैस एग्जिस्ट करेगा, बोलो सही है, बी प्लस बी डैस क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ऑर्डर सेम है इसलिए डिफाइंड होगा, जब डिफाइंड होगा तो एक नया मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा. ओके, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मिला दो. तो यहाँ देखो 2 है, वहाँ भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर दोनों बी में भी 2 है, बी डैश में भी 2 है, तो क्या बन जाएगा, 4. तो आप लिखें, ये फर्स्ट, ये 4 हो गया. अब बी से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और बी डैश से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपस में मिलाएं, तो यहाँ -1 है, यहाँ क्या है, -2 है, तो आपका -3 हो गया. ओके, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे देखो, बी डैश में 1 है और बी में क्या है, -4 है, दोनों को मिलाओ, -3 हो गया. इस तरीके से सारे एलिमेंट को आप मिला दोगे तो आपका आ जाए, आपने क्या किया, सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में मिला दिया, तो बी प्लस बी डैश आपको मिल गया, ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट किया. ओके, अब आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे. तो मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आपको फिर से एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा. ओके, ऑर्डर अब भी वही आपका रहेगा, 3/3 अब भी रहेगा, एलिमेंट में चेंजिंग हो जाएगा. वो चेंजिंग आप कैसे करते हैं, जितने एलिमेंट हैं सबके साथ 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो. 4 में 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आ जाएगा, -3 में कराएंगे तो -3/2 आ जाएगा, फिर -3/2 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा -3/2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ -3/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ -3 आएगा. ठीक है, अब तुम देखो P आपका आ गया है, ये जो मैट्रिक्स आपका आया है वो मैट्रिक्स P के इक्वल है. ठीक है, और तुम देख रहे हो P क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए. तो सिमेट्रिक है, तुम ऑब्जर्व करो, तुमको दिखेगा ये आपका क्या है, डायगोनल एलिमेंट है. ठीक है, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, -3/2 है, और वही एलिमेंट यहाँ पर भी देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर -3/2 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर -3/2 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम पर 1 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम पर 1 है. तो कहने का मतलब जो ये डायगोनल है ये मिरर का काम कर रहा है. जब भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल मिरर का काम करे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, देखो इस -3/2 का इमेज ये है, इसका इमेज ये है, 1 का इमेज ये है. कहने का मतलब A1 ठीक फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर जो एलिमेंट है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर है, आपस में इक्वल हैं.
इस तरीके से आप इसे देखकर आप बता सकते हो कि ये पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे देखकर। बट ये आपको दिखाना होगा, ठीक है। अब दिखाते कैसे हो, कोई मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक कब आप दिखाते हो, कब कह देते हो कि सिमेट्रिक है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग? जब वह मैट्रिक्स ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। कहने का मतलब, नाउ पी यदि किसके इक्वल हो जाए, पी डैश के। कहने मतलब ये है, जब ऐसा हो जाएगा तो आप कह दो कि सिमेट्रिक है। तो आप देखो, इस पी का ट्रांसपोज करोगे तो फिर से आपको वही मिलेगा, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 -1 -3/1 -3/2। फिर से वही मिलेगा। अब आप निसंदेह आप लिखते हैं, therefore P is symmetric। तो आप देखो, ये आपका P क्या हो गया, P symmetric हो गया, ठीक है। यहाँ देखो, P क्या हो गया, symmetric हो गया। अब आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग B माइनस B डैश करेंगे आप, फिर उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब करेंगे, ओके। आल्सो लेट करो, आल्सो लेट क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी माइनस बी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 बी माइनस बी डैश। कैसे डिफाइन करते हो आप बी माइनस बी डैश, आप कैसे डिफाइन करते हो? देखो, बी प्लस माइनस बी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, बी प्लस माइनस बी डैश ऐसे लिख सकते हो, ओके। इसके लिए पहले आपको माइनस बी डैश फाइंड करना होगा। तो बी आपका ये है, ये बी डैश है, तो माइनस बी डैश कैसे फाइंड होगा? बहुत आसान है, इसके जितने एलिमेंट हैं सबकी साइन चेंज कर दो आप, ओके। माइनस बी डैश आपका कैसे मिल जाएगा, माइनस बी डैश कैसे मिलेगा, सारे एलिमेंट की साइन चेंज कर दो, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, ठीक है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। अब फिर आप दोनों को ऐड कर दो, बी और बी डैश माइनस बी डैश के एलिमेंट को ऐड करो, तो आपको मिलेगा 1/2। एक नया मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि सम डिफाइंड होगा, सेम ऑर्डर के हैं। कैपिटल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखो आप, बी, बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर कितना है, बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर 2 है, और बी माइनस बी डैश पर क्या है, माइनस 2 है, तो 2 और माइनस 2 ऐड कराओ क्या बनेगा, 0। तो ये आपका एलिमेंट आ गया है 0, ओके। अब देखो, माइनस बी डैश पर यहाँ क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर प्लस 1 है, और यहाँ पर क्या है, माइनस 2 है, माइनस 2 है यहाँ, प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, ओके। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर माइनस बी डैश पर है माइनस 1,
और यहाँ पर क्या है, माइनस फोर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव, माइनस फाइव। इस तरीके से बेटा जी जितने एलिमेंट हैं सबको आप मिलाओ। फिर देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर क्या है, यहाँ पर प्लस टू है और यहाँ पर क्या है, माइनस वन है। तो प्लस टू माइनस वन क्या बनेगा, वन। ओके, ये आपका एलिमेंट आ गया वन। ऐसे आप सारे एलिमेंट आपको मिलाने हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम पर क्या है, यहाँ पर माइनस थ्री, यहाँ पर क्या है प्लस थ्री, तो कितना बन जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, ये हमने इतने एलिमेंट बनाए। अब आप सारे एलिमेंट आप खुद से मिलाएं बनाएं, आप सारे एलिमेंट इस तरीके से आप ऐड कर लेंगे तो इस तरीके से मिल जाएंगे। अब इसमें वन पॉइंट टू से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करा दें, बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है सबके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ज़ीरो ही आएगा, माइनस वन में वन पॉइंट टू से कराएंगे तो माइनस वन पॉइंट टू हो जाएगा, ये माइनस फाइव पॉइंट टू होगा, ये वन होगा यानी वन पॉइंट टू होगा, ये ज़ीरो रहेगा, ये थ्री रहेगा, यहाँ फाइव पॉइंट टू रहेगा, यहाँ माइनस थ्री रहेगा, यहाँ ज़ीरो रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा जी, क्यूब इक्वल है। ओके, तो क्यू को क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। क्यू को क्या होना चाहिए, देखो क्यू को होना चाहिए, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। इस क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, कहने का मतलब ये पूरी क्वांटिटी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। देख लो है भी कैसे है, आप जानते हो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, और जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस वन अपॉन टू है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर वन अपॉन टू रहेगा, प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर प्लस फाइव अपॉन टू है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर माइनस फाइव अपॉन टू रहेगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम पर थ्री है, इधर माइनस थ्री रहेगा। तो ये देख दिख रहा है क्या है, ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा आपको फील हो रहा, महसूस हो रहा है, लेकिन आपको दिखाना है। कैसे दिखाते हो आप, कैसे दिखाते हो आप, ये दिखा दो कि क्यू आपका हो जाए माइनस क्यू डैश के इक्वल, क्यू हो जाए आपका माइनस क्यू डैश के इक्वल। तो ओके, तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, क्यू है। ओके, ये आपका क्यू है। अब क्यू डैश करोगे तो आपका देख लो ये क्यू है ना, चलो क्यू डैश करते हैं, क्यू डैश करते हैं, करके दिखा देते हैं। इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश, ओके, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, जीरो माइनस वन पॉइंट टू माइनस फाइव पॉइंट टू, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम्स, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम वन पॉइंट टू, फिर आपका ज़ीरो, फिर आपका थ्री। अब थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम फाइव पॉइंट टू माइनस थ्री ज़ीरो। ओके, अब इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, अंदर माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे क्यों फिर से मिल जाएगा, ये ज़ीरो होगा, ये माइनस वन पॉइंट टू होगा, ये माइनस फाइव पॉइंट टू हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी,
ये प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा, ये ज़ीरो होगा, ये प्लस थ्री हो जाएगा, ये फाइव अपॉन टू हो जाएगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा, ये ज़ीरो होगा। देख रहे हो यही आपका क्यू है, देखो यही आपका क्यू है, ठीक है ना। कहने मतलब क्यू किसके इक्वल है, माइनस क्यू डैश के इक्वल है। और जब भी क्यू आपका माइनस क्यू डैश के इक्वल हो जाए तो आप लिख देते हो, या आप देन क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश, देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप लिख दो, दस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ओके, अब बी आपका क्या है, यहाँ पर लिखें, बी आपका है टू, बी को भी लिख दो, पी को भी लिख दो, क्यू को भी लिख दो। यहाँ पर आप बी को लिख दिया आपने, ठीक है। और अब ये जो बी मैट्रिक्स है वो आपका सम ऑफ, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी प्लस क्यू के फॉर्म में आपने लिख दिया, बी इक्वल हो गया। देखो बी किसके इक्वल है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों पे सम के इक्वल हो गया, यही आपको दिखाना था। तो लिख दो, हेंस बी इज रिप्रेजेंटेड एज दी सम ऑफ, यही चीज़ आप फिर से लिख रहे हैं लैंग्वेज में, ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, इस तरीके से ये जो आपका एग्जांपल है 22, ये समझ में आ गया होगा। कहना मतलब ये जो एग्जांपल 22 है, 22 है, ये थ्योरम 2 को वेरीफाई किया है। ओके, थ्योरम 2 पर ही है ये आपका। और थ्योरम 2 किस पर वेरीफाई है, किस पर प्रूफ है, थ्योरम 1 पर है। तो इस कोर्स एग्जांपल में थ्योरम 1 और थ्योरम 2 दोनों आ गया, और उसी के हेल्प से ये आपने दिखा दिया कि जो बी है वह उसको आप लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ए और ए डैश के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप जिसके आधार पर आपने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन किया और उस पर थ्योरम, ठीक है। अब हम लोग उसी पर एक ए और ए डैश पर ही एक और डिफिनीशन डिफाइंड है, और उस डिफिनीशन का नाम है, उस डिफिनीशन को वह मैट्रिक्स जो है, देखो जो नया डिफिनीशन के रूप में जाना जाता है उसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, कहने का मतलब ये, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन किया, आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन किया ए और ए डैश से ही लेकर, वैसे ही आप ए और ए डैश पर ही एक मैट्रिक्स और है जिसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस पर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कौन सा मैट्रिक्स आप लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कौन सा मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलेंगे। ओके, डिफिनीशन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल।
ऑर्थोगोनल कहेंगे इफ ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करें वह इक्वल हो जाए ए ट्रांसपोज ए के और फिर वह इक्वल हो जाए आई के। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो ए को क्या कहेंगे, ए को आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सिमेट्रिक कब खोलते हो आप, सिमेट्रिक के लिए क्या क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक के लिए आपका कंडीशन है ए किसके इक्वल हो जाए ए डैश के। स्क्यू के लिए क्या कंडीशन है, ए इक्वल हो जाए माइनस ए डैश के। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये सिमेट्रिक के लिए, ये किसके लिए है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, और ये किसके लिए है ये ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन। ये तीन कंडीशन आप याद रखना और इस तो आप डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका सिमेट्रिक के लिए था, ये इसके सिमेट्रिक के लिए, ये ऑर्थोगोनल के लिए। तो ए और ए डैश पर आपके केवल यही तीन डिफिनीशन हैं, एक सिमेट्रिक, एक स्क्यू सिमेट्रिक और तीसरा ऑर्थोगोनल। ओके, तीनों मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि जो आपका मैट्रिक्स वो स्क्वायर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, आपको स्क्वायर ही लेना पड़ेगा और कोई मैट्रिक्स नहीं चलेगा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर आप कुछ भी लें वो सब चलेगा। ठीक है, देखो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 6-7 ये आपके सॉल्व होंगे। क्वेश्चन 6 और 7 ये सिमेट्रिक, क्वेश्चन 6 जो सॉल्व होगा वो ऑर्थोगोनल पर सॉल्व होगा, क्वेश्चन 7 जो सॉल्व होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर सॉल्व होगा, क्वेश्चन 8 जो सॉल्व होगा वो थ्योरम 1 पर होगा, क्वेश्चन 9 जो सॉल्व होगा वह थ्योरम 1 पर सॉल्व होगा, और क्वेश्चन जो 10 सॉल्व होगा वह थ्योरम 2 पर सॉल्व होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होगा वो 3.3 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ट्रांसपोज की डिफिनीशन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पर है, क्वेश्चन नंबर 3 वो भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पर है बट थोड़ा से उसमें थोड़ा से आपको घुमाया है, क्वेश्चन 4 ठीक जैसे 3 है वैसे ही 4 है, क्वेश्चन 5 ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी पर फॉलो करेगा। ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग यहाँ एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू आपका मैट्रिक्स है कॉस अल्फा फिर साइन अल्फा, सेकंड रो में माइनस साइन अल्फा और फिर आपका कॉस अल्फा। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। ओके, तो ए डैस आप फाइंड कर सकते हैं, देन ए डैस आप फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, नाउ दोनों का प्रोडक्ट कराओ, ए डैश कराओ प्रोडक्ट कराओ। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, फर्स्ट रो से
फर्स्ट रो हम सेलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, और उसको क्रम से मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले से फर्स्ट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से कराते हैं मल्टीप्लाई और उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे तो क्या आएगा, कास अल्फा कास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, कास अल्फा मल्टीप्लाई क्या होगा, कास स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों को सम कर लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। फर्स्ट रो आपने मैट्रिक से लिया, फर्स्ट कॉलम दूसरे मैट्रिक से लिया, दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, ओके। अब आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिखना चाहेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट रो तो लिए ही हैं आप, इस बार आप दूसरे मैट्रिक से कॉलम दूसरा कॉलम उठा लें, इसको ले लें और आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराएं और ऐड कराएं। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस साइन अल्फा कास अल्फा आ जाएगा, इसको कराएंगे माइनस साइन इंटू कास अल्फा आएगा, दोनों को मिलाएंगे तो जीरो आ जाएगा, क्या जाएगा जीरो। ऐसे ही अब आप दूसरे रो को लिखने के लिए पहले मैट्रिक्स से रो को आप उठाएंगे, ठीक है, पहले मैट्रिक्स से किसको उठाएंगे, रो को, पहले मैट्रिक्स से रो को उठाएंगे क्योंकि सेकंड रो को एलिमेंट लिखना है आपको, और क्रम से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का और फिर सम कराकर लिख दें। तो आप कराएंगे तो आपको मिलेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर जो एलिमेंट मिलेगा वो फिर से आपको मिलेगा जीरो, और यहाँ फिर से आपको मिलेगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को आप क्या कहते हैं, वन कहते हैं, आइडेंटिटी आपको याद होगी, तो कहने का मतलब ये आपका आ गया वन जीरो जीरो वन। तो ए ए डैश किसके इक्वल आ गया, ए ए डैश इक्वल आ गया आई के, देयरफॉर ए डैश ए करो आप तो फिर से तुमको आई मिलेगा, कहने का मतलब आपके पास आ गया है ए ए डैश इजिकल टू ए डैश ए इजिकल टू आई, ये कंडीशन मिल गया। यह कंडीशन मिल गया तो आपके क्वेश्चन में यही कहा है कि आप इसे वेरीफाई करो, तो आपने वेरीफाई तो कर दिया। अगर यहीं हम यह कह दें कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है वह ऑर्थोगोनल है तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, हम कह सकते हैं देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया है, ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड पार्ट कर लेना, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से कर सकते हैं, ओके, आपको दिखाना है, आसान है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर है और इसको सिमेट्रिक पर है, ओके। आप सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन हम और आपको करा देते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा इसमें घुमाया है इसलिए इसको करा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी पर है, ओके। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है, ठीक है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान है, प्रॉपर्टी पर है, ट्रांसपोज ऑफ जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज की है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स ए डैश दिया गया है आपको, इसका आर्डर क्या है, 3/2 है,
और एक मैट्रिक्स बी दिया गया है, इसका आर्डर क्या है 2x3 है। ओके, वेरीफाई क्या करना है, ए प्लस बी का होल डैश किसके इक्वल होगा, ए डैश के प्लस बी डैश के, ये प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। और ए माइनस बी का होल डैश किसके इक्वल होगा, ए डैश माइनस बी डैश के, वेरीफाई करना है आपको। कहने मतलब जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है उसी को वेरीफाई करना है, ठीक है। ध्यान ये देना है, यदि आप से हम पूछें क्या क्या ए डैश प्लस बी डैश एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट करेगी और नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश, सॉरी ए डैश प्लस बी एग्जिस्ट करेगी और नॉट एग्जिस्ट करेगी, तो आप क्या कहेंगे कि यह एग्जिस्ट, यह आपका एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये सही है ये गलत है। क्यों गलत है, देखो आप एक आर्डर कितना है, ए डैश का आर्डर कितना है 3x2 है, अब बी का आर्डर कितना है 2x3 है, दोनों के बीच में प्लस हो सकता है, डिफाइंड होगा, तो नहीं डिफाइंड होगा, क्यों नहीं डिफाइंड होगा, आर्डर सेम नहीं है, इसका 3x2 है इसका 2x3 है, आर्डर सेम नहीं है तो सम कैसे डिफाइंड होगा, जब सम डिफाइंड नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगी मैट्रिक्स, कहने मतलब ए डैश प्लस बी डैश डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अगर हमको इसको लिखना होगा ऐसे लिखेंगे, ए डैश प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि इनके आर्डर डिफाइंड नहीं, आर्डर सेम नहीं है इसलिए डिफाइंड नहीं है, इसलिए डिफाइंड नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एग्जिस्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इस ई डैश को, इस ए डैश का ट्रांसपोज पता करना होगा, तो ट्रांसपोज पता करना होगा, कहने का मतलब आपको ए फाइंड करना होगा, ए कैसे मिलेगा आपको, ए डैश का ट्रांसपोज कर दो तो आपको ए मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे आप, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो ए डैश का रो और कॉलम क्या है 3x2 है, तो ये हो जाएगा 2x3 हो जाएगा। ओके, जो 3x2 है वो 2x3 हो जाएगा, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम यानी 3x4, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, -1 2, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम 0 1। अब देखो, अब आपसे कहा जाए, अब बताओ आप क्या a प्लस बी डिफाइंड होगा, अब a प्लस बी एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों, यानी a प्लस बी इज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगा, और वह मैट्रिक्स कौन सी एग्जिस्ट करेगा, वह मैट्रिक्स क्या आएगा, वह मैट्रिक्स आपका आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मिला दो, इधर से आपका a से 3 है और b से क्या है -1 है, ए से देखो ए से बी से -1 है और यहाँ से 3 है, तो कितना हो जाएगा 4। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया, 3 और 1 को आपस में मिला दिया आपने, नहीं गलत हो गया, यहाँ -1 है, यहाँ कितना है 3 -1 कितना होगा 4 थोड़ी होगा 2 होगा, ठीक है,
आप ऐड कर लो सारे एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यहाँ से माइनस वन है तो यहाँ से कितना है, टू है। माइनस वन और प्लस टू कितना होगा, वन। ठीक है, सारे एलिमेंट आप सम करो बेटा, ये आपका ए प्लस बी एग्जिस्ट करेगा और ये मैट्रिक्स आपको मिलेगी। आपने सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मिला दिया, ए और बी के आपको मिल गई। अच्छा, ये ए प्लस बी आपने क्यों फाइंड किया, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल्डर्स। तो पहले आपको ए प्लस बी फाइंड करना होगा, तभी तो आप ट्रांसपोज पता करेंगे, इसलिए पहले आपने ए प्लस बी फाइंड किया। अब ए प्लस बी का होल्डर्स फाइंड करेंगे, ए प्लस बी का होल्डर्स बहुत आसान है। जो आपका ए प्लस बी आया है उसका ट्रांसपोज कर दो। तो इसका रो क्या है, 2 बाई 3 है, 2 रो 3 कॉलम है, ट्रांसपोज कर देंगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा। फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 1 1, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम 5 4 4। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ए प्लस बी का होल्डर्स आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें। ओके, नाउ अब आप यहाँ से देखो ए डैश प्लस बी डैश, तो बी डैश तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था, नहीं सॉरी ए डैश दिया गया था। बी डैश यहाँ से पता कर लो बहुत आसानी से, बी डैश कितना हो जाएगा, बी डैश आपका क्या हो जाएगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम्स -1 2 1, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम 1 2 3। अब आप ए डैश, अब ए डैश का आर्डर 3 बाई 2 है, अब बी डैश की आर्डर 3 बाई 2 है, तो ए डैश प्लस बी डैश आप कर सकते हैं। नाउ ए डैश प्लस बी डैश आप सम करो, यहाँ पर ए डैश के एलिमेंट लिखो प्लस यहाँ पर बी डैश के। ठीक है, ए डैश के सारे एलिमेंट लिख डालो, बी डैश के लिख डालो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप मिला दो, इनका सम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आर्डर वही रहेगा जो ए डैश और बी डैश का है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मिलाएंगे तो 3 और -1 कितना हो जाएगा, 2 4 1 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 4, ये आपका 1 3 1 4। अब देखो क्या ये 2 1 1 सही है, 5 4 4 ये तो गलत हो गएगा, हाँ यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, 4 आएगा ऐड करने पर। ऐसे आप कर लिया करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर गलती हो रही है। ये आपका हो गया ए डैश प्लस बी डैश, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड जो है वही इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है, देयरफॉर ए डैश ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये आपका वेरीफाई हो गया। ए प्लस बी का होल डैश किसके इक्वल हो गया, ए डैश प्लस बी डैश के। ओके, ऐसे ही आप सेकंड, इसमें 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आप कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है उसको चलो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है ए माइनस बी, पहले पता करेंगे आप ए माइनस बी कैसे पता करेंगे, ए प्लस माइनस बी। ओके, ए आपने लिखा है अभी, आपने ए किस ए यहाँ पर रखो प्लस
माइनस बी मैट्रिक्स के एलिमेंट यहाँ रखो, ओके। ए के एलिमेंट आप ऐसे यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। कैसे मिला है पता है ना, ए डैश तो दिया गया था, ए आपने पता कर लिया ट्रांसपोज करके, जो रो में था उसे कॉलम लिख दिया तो ऐसे बन गया। और माइनस बी के लिए क्या करेंगे, बी आपको दिया गया है, माइनस बी के लिए क्या करेंगे, बी के अंदर जो भी एलिमेंट है ना उसकी साइन चेंज कर दो। तो माइनस वन है तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, फिर माइनस टू, माइनस वन, ठीक है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसे हो जाएगा। अब दोनों के आर्डर सेम है तो इनका सम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो थ्री वन कितना हो जाएगा, फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, जीरो और माइनस वन, माइनस वन, फोर वन थ्री, फोर में से एक के थ्री, ये आपका जीरो और ये आपका आ जाएगा माइनस टू, ओके। ये तो आपका ए माइनस बी आ गया। अब क्या करेंगे, आप ए माइनस बी का ट्रांसपोज पता करेंगे। बहुत आसान है, आप जो रो है उसको कॉलम में कर दो, फोर फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, फोर माइनस थ्री माइनस वन, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थ्री जीरो माइनस टू, ये आपका आ गया, इसे इक्वेशन नंबर वन बोल दें। अब फिर आप ए डैश माइनस बी डैश पता कर लें। नाउ ए डैश माइनस बी डैश, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ए डैश प्लस माइनस बी डैश, ओके। अब इसको आप ए डैश के एलिमेंट यहाँ रखें, प्लस माइनस बी डैश के एलिमेंट यहाँ रखें और दोनों को मिला देंगे, देखो क्या आता। ए डैश के सभी एलिमेंट आपने रख दिया, ये तो आपके क्वेश्चन में ही गिवन था। माइनस बी डैश फाइंड कैसे करते हैं, पहले तो बी गिवन है, बी डैश फाइंड कर लेंगे, फिर उसमें बी डैश आपने फाइंड करके रखा है, देखो यहाँ पर आपने किया था, ये देखो बी डैश, ठीक है। अब माइनस बी डैश कैसे पता चलेगा, कि बी डैश के जो भी एलिमेंट हैं उसकी साइन चेंज कर दो तो आपको माइनस बी डैश मिल जाएगा, और फिर उसके एलिमेंट यहाँ पर आप रख दो, ठीक है। दोनों को आपस में क्या कर दो, दोनों का सम डिफाइंड होगा, दोनों को आपस में मिलाएं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो ये आपका हो जाएगा फोर, ये आपका थ्री, ये आपका माइनस थ्री, ये माइनस वन, ये जीरो, ये माइनस टू। चेक करो क्या ये इक्वेशन वन का राइट हैंड साइड है, अच्छा फोर थ्री माइनस थ्री जीरो माइनस वन वन जीरो, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब इसे आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल डैश, ठीक है, आपका वेरीफाई हो गया। देयरफॉर ए माइनस बी का होल डैश ये इक्वल हो गया ए डैश माइनस बी डैश। इस तरीके से जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आप बनाएं, ओके, प्रॉपर्टी पर हैं, डिफिनीशन पर हैं और थ्योरम पर हैं, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे।